किसी के साथ हमारे सोच विचार मेल न खाना, या हम कुछ और करना चाहें और दूसरे लोग कुछ और करना चाहें, आर्ग्यूमेंट्स होना, लड़ाई झगड़ा होना, भले वो ज़रूरी नहीं है कि हाथापाई ही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओम दोस्तों, हमारे चैनल ज़ाज़ंट एरोस्पेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप में से जो दोस्त पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हों, वो हमें ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं the.zazen.space@gmail.com पर। जो दोस्त टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, बिगिनर्स, एडवांस्ड या प्रोफेशनल, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं, ताकि जैसे जैसे हम कोर्सेज अपलोड करते रहें, वीडियो अपलोड करते रहें, आपको पता चलता रहे। तो हमारा जो फूल है दोस्तों, उसने मैजिशियन की सहायता से अपने जीवन की नई यात्रा शुरू करी। एसेस में जहाँ उसको हर क्षेत्र में अपने जीवन के एक नई शुरुआत करने का एक बीज प्राप्त हुआ, एक मौका मिला, वहीं टूज में उसने निर्णय लिए हाई प्रीस्टेस से सीख करके कि निर्णय कैसे लिया जाता है। उसने निर्णय लिए कि जो उसको एसेस में नई चीज की प्राप्ति हुई, उसने उसका क्या करना है। इसके उपरांत उसने एम्प्रेस से सीखा कि अपने थ्रीज में जीवन के हर क्षेत्र को बढ़ाना कैसे है, और वहीं फोर्स में उसने एम्परर की सहायता लेकर के अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करी। और अब हमारा फूल अपनी जीवन यात्रा को तय करते हुए, जीवन के अनुभवों से गुजरते हुए दोस्तों फाइव्स पर आ गया है। नंबर 5, जो कि मेजर आर्काना के हायरोफैंट का भी नंबर है दोस्तों। हायरोफैंट जो कि एक एडवाइजर है, एक वाइज मैन है, ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर है, वो हायरोफैंट दोस्तों हमारे फूल को फाइव्स में जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको झेलने की, उसका सामना करने की सहायता करता है। दोस्तों, यदि आपसे कोई भी पुराने वीडियोस मिस हो गए हों, तो माइनर आर्काना सीरीज में आप एसेस, टूज, थ्रीज, फोर्स के सारे वीडियोस हैं, आप देख करके हमारे अभी तक की यात्रा जो है फूल की समझ सकते हैं। वहीं सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स नाम की जो हमारी प्लेलिस्ट है हमारे इसी चैनल पर, वहाँ जा करके आप हमारे हर नंबर का सिग्निफिकेंस, और उसी नंबर का जब वो रिवर्स्ड आता है रीडिंग में, तो उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने नंबर सीरीज में फाइव्स का एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा कि फाइव्स जो हैं उसका कीवर्ड है प्रॉब्लम, परेशानियाँ। उसी के साथ वॉन्ड्स जो हैं वो हमारे काम को, जीवन में कर्म क्षेत्र को दर्शाते हैं दोस्तों। तो अभी हम देख रहे हैं कि फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या है। फाइव और वॉन्ड्स, जब हम इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, तो आ जाती हैं प्रॉब्लम्स एट वर्क, काम की जगत में परेशानियां। दोस्तों, एक नजर इस कार्ड को देखते हैं। पहले देखिए, 5 युवा नजर आ रहे हैं हमें। देखने में तो करीब करीब पांचों एक जैसे हैं, और पांचों ने जो है हाथ में एक एक वॉन्ड पकड़ रखा है। वॉन्ड्स को दोस्तों स्टेव भी कहा जाता है, और वॉन्ड्स जो है फायर एलिमेंट को दर्शाता है, हमारे अंदर के पैशन को भी दर्शाता है। यहां पर हम देखते हैं कि ये पांचों युवा आपस में जैसे भिड़ रहे हैं,
आपस में ये वॉन्ट्स से जैसे एक दूसरे के ऊपर चला रहे हैं, एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ गए हैं। अर्थ काफी स्पष्ट है, प्रतियोगिता और लड़ाई झगड़ा। जो हमने प्रॉब्लम्स एट वर्क की बात करी थी दोस्तों, उसी कहानी का जब हम विस्तार करते हैं तो फोर ऑफ वॉन्ड्स में दोस्तों हमने देखा था कि एक स्थिरता आ गई है काम के जगत में। लेकिन दोस्तों जब भी कोई चीज हम शुरू करते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत होती है, तो शुरू में तो वो जल्दी जल्दी बन जाती है, वही एक ऐसा वक्त आता है जब उसको थोड़ा सा भी और बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। जैसे दोस्तों एक स्टूडेंट होता है क्लास में, अगर बिल्कुल ही 10 नंबर आ रहे हैं उसके 100 में से, तो थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ले, उसके 100 में 50-60 नंबर आसानी से आ जाते हैं। उसके बाद 60 से 70 या 80 लाने में उसको मेहनत करनी पड़ती है, और वहीं 70 से 80 या 90 लाने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों उसी तरीके से जहां फोर्स तक हम देख रहे थे चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बनती चली गईं, बहुत जल्दी विकसित हो गईं, लेकिन अब फोर्स में जितना हमने विकास किया था वहाँ फाइव्स में उसमें कमी आ गई है। तो कमी हमारे किन किन चीज़ों में आ गई है? एक तो कर्म स्थल पे, हमारे इस प्लेस ऑफ वर्क में कोई कमी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि प्रतियोगिता, लोगों का साथ न देना, कंपटीशन करना, ऐसी स्थिति आ जाना कि अब जीतने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल, स्ट्रगल को भी दर्शाता है दोस्तों ये कार्ड। दूसरा एक्शन, कोई भी कर्म हम लेना चाहें, ज़रूरी नहीं है जॉब में, वर्क प्लेस में, और कहीं पर भी हम कैसा भी कर्म करना चाहें और कर्म में रुकावट आ जाना, कोई पाँव अड़ा दे, कोई हमको आगे ना बढ़ने दे, इस तरीके की स्थितियां ये कार्ड दिखाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये जो कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये प्रतियोगिता भी दिखाता है, स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल दिखाता है। एक ही चीज़ को पाने की अलग अलग लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे अलावा जो बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी काफ़ी पहुँचे हुए हैं, हमारे जितने ही अचीवमेंट्स उनकी भी हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी आता है और इनर डाउट, मन में संशय होना और डर होना। दोस्तों हमने फाइव्स में ये भी देखा था कि फाइव्स जो हैं भय को भी दर्शाते हैं, भय कि हमने जो विकास किया था उस विकास में कुछ कमी आ सकती है, आ गई है, आ चुकी है, आ जाएगी, वो भय। और उस चीज़ से जूझने के लिए जो मन में एक संशय, एक डाउट होता है, उसको भी दर्शाते हैं दोस्तों। तो क्या हम इस चीज़ का मुकाबला कर पाएंगे? इस तरीके के सवाल मन में आना, सवालों को भी नंबर फाइव दर्शाता है दोस्तों। हमने देखा था फाइव में कि जहाँ पर जवाबों से ज़्यादा सवाल हो जाएं, लेकिन यहीं पर हमारा जो हायरोफैंट है वो हमें सहायता करने की क्षमता रखता है। वो कहता है कि आप अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर से आपको इसके लिए, इस चीज़ से जूझने के लिए स्ट्रेंथ मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और यदि आपको अंदर से ना मिल सकें तो किसी से गाइडेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइडेंस ले लीजिए। दोस्तों जब हम क्वेश्चंस, प्रश्नों की बात करते हैं, बहुत प्रश्न होना, तो कई बार हम जब कार्य करने की कोशिश करते हैं, फोर्स तक तो हमने आराम से विकसित कर लिया, लेकिन ये उस स्थिति को भी दर्शाते हैं फाइव्स, जहाँ पर अब हमें लगता है एम आई कॉम्पिटेंट इनाफ, क्या हमें इतना ज्ञान है, क्या हम इतना जानते हैं कि हम अब इससे आगे अपनी चीज़ का विकास कर सकें। तो अंदर के प्रश्नों को कि क्या हमें इतना मालूम है, उसको भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है। तो इसी फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ हमारे मन में एक और प्रश्न आता है कि अब जब मेरे सामने प्रतियोगिता है तो मैं अपने प्रतियोगियों से आगे कैसे बढ़ूं?
हाउ कैन आई डू बेटर, हाउ कैन आई स्टैंड आउट। और ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को भी एक धक्का दे सकता है। फाइव ऑफ वॉन्ट्स इन सभी चीज़ों को दर्शाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, तो और कौन सी चीज़ों को फाइव ऑफ वॉन्ट्स दर्शा सकता है? डिसएग्रीमेंट्स, किसी के साथ हमारे सोच विचार मेल न खाना, या हम कुछ और करना चाहें और दूसरे लोग कुछ और करना चाहें, आर्ग्यूमेंट्स होना, लड़ाई झगड़ा होना, भले वो ज़रूरी नहीं है कि हाथापाई ही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मुंह से भी हाथापाई हो सकती है दोस्तों, किसी से भला भुला बुरा कहना भी और भला बुरा सुनना भी, बेसिकली किसी से ना बनना, या फिर कई बार दोस्तों ये जब इनर डाउट और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, तो हमारे अंदर ही हम बंटे हुए हैं कि हम ये करें या वो करें, या फिर किसी डिबेट में फंस जाना, लोग आपस में चार पांच झगड़ रहे हैं, बीच में हम फंस गए। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को भी दर्शाता है दोस्तों फाइव ऑफ वॉन्ट्स। जैसे कि अब हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई हम किसी तरीके से अपना जूझें और जीतें, प्रतियोगियों से प्रतियोगिता करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कॉम्पिटिशन में अपना टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अब हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को रिजॉल्व करने की। फिर हमारे मन में जो भय उत्पन्न हुआ उससे भी जूझने की कोशिश करेंगे, तो इस भय से जूझने को भी दिखा रहा है फाइव ऑफ वॉन्ट्स दोस्तों। अच्छी बात दोस्तों ये है फाइव ऑफ वॉन्ट्स की कि ये मेजर आर्काना कार्ड नहीं है, माइनर आर्काना कार्ड है। ज़्यादातर इसके साथ में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको कि हम हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये ऐसी चीज़ भी दिखा सकता है कि आप कोशिश करें कुछ नया डिवेलप करने की, वो आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी डिवेलप करें बॉस उसको पसंद ना करे, या ओपोनेंट्स या आपके आसपास के जो कुलीग्स हैं वो जानबूझ करके कोशिश करें उसको पास न होने देने की। दोस्तों पॉजिटिव जब आता है फाइव ऑफ वॉन्ट्स या अपराइट आता है तब तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन जब ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है, फाइव ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स हो जाए या नेगेटिव हो जाए, तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हालत हो सकती है। जैसे कि अभी तक अपराइट फाइव्स में या पॉजिटिव फाइव में आप में हिम्मत तो थी कम से कम, भले आप डर रहे थे, भले आपके मन में संशय थे, पर आप इस चीज़ से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जब ये फाइव नेगेटिव हो जाए या रिवर्स्ड हो जाए, इसके आसपास नेगेटिव कार्ड्स आ जाएं, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब आप मुकाबला करने से इतना डर जाते हैं कि आप कहते हैं कि मुकाबला करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं नहीं जीत सकता, और अब आप हाथ खड़े कर देते हैं। ये वैसी स्थिति है दोस्तों जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू देने पहुँचें और देखें कि 5 सीटों के लिए 500 लोग खड़े हैं, 500 नहीं भी खड़े हों, 5 वैकेंसीज हैं और आपने 15 लोग सामने देख लिए। आपने जब उनसे बात करी तो आपने कहा इनको तो मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ये तो मुझसे बहुत आगे धुरंधर हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत है, इतने बढ़िया लोग हैं, मैं इनके आगे कुछ नहीं, मैं हाथ खड़ा करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ बिना इंटरव्यू दिए। इस तरीके की स्थिति हो जाती है दोस्तों जहाँ हमारा फाइव ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स्ड हो जाए। दोस्तों कई बार फाइव ऑफ वॉन्ट्स ऐसी स्थिति को भी दर्शा सकता है जब हमारे सामने इतने सारे अलग अलग चीज़ें एक टाइम पर हैंडल करने को आ जाएं कि हमें समझ ही नहीं आए हम कि पहले किस चीज़ को हैंडल करें। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी चीज़ें हों, हो सकता है कि जब हमारे ऑफिस में भी बहुत कोई टाइट स्केड्यूल टाइट डेडलाइन चल रहा हो और उसी वक्त हमें बच्चे की फीस भी भरनी है, हमें जो है घर पर मेहमान भी आ रहे हैं उनका भी देखना है, मेहमान आ रहे हैं इसलिए घर की सामग्री ख़त्म हो गई है वो भी लेकर के आनी है, एक बच्चे की जो है कोई मैच है उसके मैच के लिए उसको लेकर के जाना है, इस तरीके की अलग 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 चीज़ें जो एक साथ हमें हैंडल करनी है वो सब एक साथ आ गई। और अब ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स में स्थिति है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स जहाँ नेगेटिव हो गया रिवर्स्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें एक साथ हैंडल करनी है और हम कर नहीं पा रहे, हमने हाथ खड़े कर दिए। तो दोस्तों ये था हमारा फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अब इसके जो हैं अपोजिंग कार्ड्स, वो कार्ड्स जिनका अर्थ
विपरीत है, विपरीतार्थी कार्ड्स, वो क्या हैं? दोस्तों, जहां फाइव ऑफ वॉन्ड्स में एकदम डिसएग्रीमेंट है, वहां टेम्परेंस में बैलेंस और अग्रीमेंट है, शांति है, एक साथ काम कर रहे हैं, वर्ल्ड में इंटीग्रेशन है, वर्किंग टुगेदर है। टू ऑफ कप्स, यहां पर अलग अलग अपोजिंग चीजों को मिला करके एक बना दिया है। टू ऑफ पेंटिकल्स में भले एक नहीं बनाया है, लेकिन चीजें आपस में स्मूथली काम कर रही हैं, या लोग आपस में स्मूथली काम कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स देखिए, इसमें भी टीम वर्क है, कोऑपरेशन है। तो ये जितने भी कार्ड्स हैं दोस्तों, ये हमारे फाइव ऑफ वॉन्ड्स के अपोजिंग मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग के हैं, इसलिए अपोजिंग कार्ड्स हो गए। वहीं रीइंफोर्सिंग कार्ड्स देखें तो जहां फाइव ऑफ वॉन्ड्स में झगड़ा वगड़ा नजर आ रहा है, वहीं सेवन ऑफ वॉन्ड्स में भी नजर आ रहा है दोस्तों झगड़ा। टेन ऑफ वॉन्ड्स में भी हम चीजों से जूझ रहे हैं, इतना ज्यादा हो चुका है हमारे ऊपर बोझ, हम उठा नहीं पा रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स में भी कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है हमें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड देखिए, इसमें भी डिस्कॉर्ड है, लोग झगड़ रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स में भी लोग झगड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि फाइव ऑफ वॉन्ड्स का अर्थ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे हमारी टैरो जर्नी में, तो हम अगला कार्ड देखेंगे दोस्तों, हमारा फाइव ऑफ कप्स, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स और इमोशंस साथ में कैसे आ रहे हैं। ओम दोस्तों।